हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनुसरोई। डियर स्टूडेंट, हमारे फैट सोलेबल विटामिन फिनिश हो चुके हैं और आज से हमारे चलेंगे वाटर सोलेबल विटामिन। ठीक है, हम देखते हैं वाटर सोलेबल विटामिन क्या होते हैं। मैं आपको एक एक विटामिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने वाटर सोलेबल विटामिन पर। ठीक है, जो वाटर सोलेबल जो विटामिन होते हैं वो हमारे वाटर यानी पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन भी करवाया है, दीज विटामिन्स आर सोलेबल इन वाटर। ठीक है, किसमें होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। दीज विटामिन कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फर। ठीक है, ये नाइट्रोजन और सल्फर नामक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक एक चीज इसीलिए लिख के बता रहा हूँ जिससे एमसीक्यू में भी आपको फायदा मिले, जो एमसीक्यू भी भार ना दे, ठीक है, और अच्छे से आप नोट्स भी बना सकें। ठीक है, दीज विटामिन आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, कौन कौन से वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं वाटर सोलेबल विटामिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी की बात करते हैं, हम इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इसके जो इसे आठ पार्टों में डिवाइड किया गया है, आठ भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे बी विटामिन बी को, ठीक है, तो इसलिए हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, विटामिन बी के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मैंने नाम मेंशन भी कर दिए हैं। हम एक एक विटामिन अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हम नाम जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी वन जिसे हम क्या कहते हैं, थायमिन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी वन को हम थायमिन भी बोलते हैं क्योंकि ये मैं इसीलिए वजह से ये लिखे हैं क्योंकि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखना वीडियो को और ध्यान से ही नोट्स बनाना। ठीक है, इसी वजह से मैंने एक एक चीज लिखी है कि विटामिन बी वन को हम थायमिन भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी का अदर नेम क्या है, तो विटामिन बी का अदर नेम है थायमिन। ठीक है, सेकेंड है विटामिन बी टू। ठीक है, विटामिन बी टू को हम रिबोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है, इसका अदर नाम क्या, रिबोफ्लेविन। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री को नाइसिन भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन बी थ्री का अदर नेम क्या है, नाइसिन भी है। ठीक है, विटामिन बी फाइव का अदर नाम क्या है, पेंटोथेनिक। ठीक है, पेंटोथेनिक नाम है इसका। ठीक है, तो मैंने इसी वजह से ये लिख रहा हूं जिससे एमसीक्यू भार ना जाए। ठीक है, इसके विटामिन बी फाइव को क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी सिक्स, फिर है हमारा विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी नाइन। ठीक है, विटामिन बी नाइन को हम कहते हैं फोलिक एसिड, और फिर है हमारा लास्ट है विटामिन बी सेवन। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके आठ पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं, हम एक एक विटामिन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।